है और ये पिन लगा हुआ जो वो नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए जल रहा है। अब सीधा उसी में लगा, एलईडी में लगाया नहीं जला, अब पलट दो इसको, ये देख लो ये एलईडी झूठ नहीं बोलेगा। ये इसमें क्या हो गया, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव इसमें आ गया है और इसमें नेगेटिव आ गया है, जो कि ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे वीडियो सीरीज में। आज हमारे पास है महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक, ठीक है, 2010 से 12 मॉडल के बीच में ये वेरिएंट आता है। इसमें कैन हाई कैन लो का कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये लगभग 8-9 का वेरिएंट होगा, सिर्फ के लाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। लेकिन मेरा बताने का जो पर्पस है आपको वीडियो दिखाने का, वो शायद मैं बताऊँ कि शायद किसी भाई ने फेस किया हो, ये रियर प्रॉब्लम आता है। मेरे साथ ये तीसरा प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप चेक करो, पहले आपको जो दिखा रहा हूँ ये प्रॉब्लम है क्या आखिर। इसमें एक भाई हमारे हैं टेक्नीशियन साहब, जो बहुत ही मतलब मशक्कत किए इसमें गाड़ी में, लेकिन नहीं हो पा रहा है, गाड़ी को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप भी देखो, आप थोड़ा, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, काम करने वाला अनुभव ही हो लेकिन फिर भी वहाँ पर डाउट नहीं जाता है। लेकिन अगर बारीकी से समझे, मल्टीमीटर यूज़ करना चाहिए, मल्टीमीटर यूज़ करें तो आपको समझ में आ जाता पहले ही। ये हमारा पहले तो अभी प्रॉब्लम है एसीएम का, ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ लाइव और समझा भी दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ इसी पर बात करूँगा। बाकी इसमें फॉल्ट तो बहुत सारा है और ये सब हमने MBFM खोला हुआ है, इसकी वजह से ये लाइटें आ रही है यहाँ पे। तो इसका मेन फॉल्ट जो है अभी आपको दिखाता हूँ, ये है इस गाड़ी का बैटरी फुल चार्ज, ठीक है। ये गाड़ी कितने दिन से ब्रेक डाउन है, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता में से 3 दिन हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब के पास से है, तो इसमें अभी तक इन्होंने काम कर दिया बढ़िया, सेल्फ का भी काम कर दिया और बैटरी का भी काम कर दिया। वो बैटरी लाओ, डायरेक्ट लगा के पार्टी को दिखाते हैं, कस्टमर व्यूवर को दिखाते हैं, डायरेक्ट निकालो इसको। अभी हमने सिर्फ बैटरी को निकालना है और वो बैटरी को लगाना है जो बैटरी इसमें लगा हुआ था। लाओ भैया बैटरी लाओ, तुम ये बैटरी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे हम प्लस को प्लस में, देखो प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में, ये पीछे वाला अर्थ में लगा दे भैया इसको, ठीक है। हमने भैया सीधा लगाया है बैटरी, एकदम सीधा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। लेकिन अब क्या होगा इसमें, अभी हमारा जो सब ऑन था ना, अब यहाँ कुछ भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, पकड़ तो भैया वैसे, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम था कि हमारा कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन पावर हमारा हर जगह आ रहा है, पावर में कहीं कोई कमी नहीं है और कहीं पे हमारा कोई सप्लाई मिसिंग नहीं है। सारा सप्लाई, सारा वोल्टेज, चाबी का लेकर के और इग्निशन, सारा कुछ आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आया कि मैं आपको सस्पेंस नहीं करूँगा, आप सीधा समझ लो, ये गाड़ी का बैटरी हो गया था डाउन, ठीक है। और कस्टमर वाले भैया ने अब किसको दिया चार्ज में, अपने से लगाया था घर पे इन्वर्टर में, फुल बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो प्लस और माइनस को काफ़ी ध्यान से देख के लगाना चाहिए। उसमें क्या है कि चार्जिंग लगाने पे शॉर्टिंग आता नहीं है, थोड़ा बहुत करंट रहेगा तो उसमें बैक शॉर्टिंग आता है, ये आपका उल्टा चार्ज हो गया है, बैटरी उल्टा चार्ज हो गया है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। अभी दोनों बैटरी को हम एक जगह करते हैं और आपको एलईडी के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम, हमारा मल्टीमीटर हमने लाया नहीं है। निकाल दो भैया इसको, दोनों को दिखाते हैं, एक एलईडी तो झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों। ये देख लो, अभी हमने ये गाड़ी का बैटरी रख दिया है और ये रख दिया हमारा सही वाला बैटरी। अभी लगाओ भैया इसको, लगाओ किधर भी लगाओ ना, इसमें पहले लगाओ, इसका पहले चेक करेंगे हम। चलो नहीं जला, पलटो। तो इसमें देखो आप, ये वाला जो वायर है, छिला हुआ वायर हमारा, ये पॉजिटिव है और ये पिन लगा हुआ है जो वो नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए ये जल रहा है। अब सीधा उसी में लगा दे, एलईडी में लगाया नहीं जला, अब पलट दो इसको, ये देख लो, ये एलईडी झूठ नहीं बोलेगा। ये इसमें क्या हो गया, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव इसमें आ गया है और इसमें नेगेटिव आ गया है, जो कि ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव का नहीं, उल्टा सेल चार्ज हो गया है। अब इसके लिए क्या करना होगा हमें, कि उसका पूरा का पूरा सेल डिस्चार्ज करना होगा, एसिड चेंज करना होगा और नया से फिर से उसको चार्जिंग करना होगा, जब जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इसमें प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ,
अल्टरनेटर इसका खोल दिया गया है, मेन वायर शॉर्टिंग तगड़ा था, तो कोई भी टेक्नीशियन यही काम करेगा कि भैया अल्टरनेटर का वायर खोल दे पहले, बार बार इसका 100 एम्पियर का फ्यूज मार रहा था। मेन वायर ये देखो खोला हुआ है, ये वाला फ्यूज कटा भी हुआ है, बार बार ये उड़ रहा था, उल्टा करंट होने की वजह से। बाकी गाड़ी में सब सही था, बैटरी चार्ज उल्टा हुआ है, जिसके वजह से इसमें अब कस्टमर को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा होना है। 100 से 150 रुपये बचाने के चक्कर में 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आराम से होना है। इसका काम करेंगे दोस्तों, काम करने के बाद फाइनल वीडियो भी आपको देंगे। और अभी तक हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।